सेक्शन 36 हमारा कंप्लीट हो गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 41, और सेक्शन 41 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मुझे इंट्रोड्यूस करना है, आपको याद दिलाना है कि हम ये सारा सेक्शन कर चुके हैं, राइट। तो सेक्शन 41 के बाद हम सेक्शन 37 पढ़ेंगे, हमारी सारी डिडक्शंस पीजीबीपी की ओवर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और फिर एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आफ्टर दैट हम आगे प्रोसीड करेंगे सेक्शन 40 की सीरीज पर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ये सेक्शन में यहीं से पढ़ाऊंगा, सेक्शन 41। सेक्शन 41 में आपने अगर ध्यान दिया हो, सेक्शन 41 में ये रिकवरी का सेक्शन है बेटा, पूरा किस चीज़ का सेक्शन है, रिकवरी का। क्या कह रहा है ये सेक्शन, रिकवरी का सेक्शन है सेक्शन 41। सेक्शन 41 से पहले अगर हम देखें, फोर्टी वन टू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 41(3), 41(4), 4A बैलेंसिंग चार्ज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने बहुत डिटेल में। साइंटिफिक रिसर्च असेट अगर हम सोल्ड कर रहे हैं विदाउट यूजिंग इन बिजनेस ऑलरेडी डिस्कस। 41(4) आज ही हमने डिस्कस किया था रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। और अमाउंट सब्सिक्वेंटली विदड्रॉन फ्रॉम सच स्पेशल रिजर्व ऑलरेडी डिस्कस। बेटा अगर इस पूरे सेक्शन की भूमिका हम समझें, ये सेक्शन ना रिकवरी का ही है सेक्शन 41, रिकवरी का, और ये एक एक्सेप्शन भी है। हमने पहले एक्सेप्शन में बताऊंगा क्या है ये, पहले हम रिकवरी को समझते हैं क्या रिकवरी का सेक्शन है। बेटा अगर हमने कोई भी गुड्स खरीदे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड्स खरीदे 1,00,000 रुपए की गुड्स खरीदे, राइट, सामने वाला हमारा क्रेडिटर बन गया, हम उसे पेमेंट दे देंगे। बेटा पेमेंट करेंगे हम उसे, अब ध्यान से समझिएगा, ये पेमेंट हम अभी करेंगे, पर हमने डिडक्शन तो ले ली होगी गुड्स की परचेज की, बिजनेस एक्सपेंडिचर है हमारे गुड्स, हमने इसकी डिडक्शन ले ली होगी। बाद में जब हम इसको पेमेंट देने का वक्त आया, तो इस बंदे ने हमें मना कर दिया, वेव ऑफ कर दिया हमारा पैसा, लाइबिलिटी मना कर दी, पैसे छोड़ दिए कि भाई साहब पैसे मत दो, बोले पैसे छोड़ दिए, समझ रहे हैं, वेव ऑफ कर दिए। अब क्वेश्चन आता है, सर हमने जब अपना पी एंड एल बनाया होगा, पी एंड एल में हमारे प्रॉफिट थे, सपोज जीपी था हमारा 50,00,000 रुपए, और हमने ये खर्चा किया था 1,00,000 रुपए का, तो हमने तो टैक्स 49,00,000 पे दिया होगा नेट प्रॉफिट मान, ये 2023-24 की बात थी, प्रीवियस ईयर 23-24। अब बेटा प्रीवियस ईयर 24-25 में हमें इसे पेमेंट देनी थी, वैसे इस साल हमारे प्रॉफिट थे 60,00,000, हमें इसकी पेमेंट देनी थी 1,00,000 रुपए की क्रेडिटर की, इसने मना कर दिया, भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, इसने वेव ऑफ कर दिया, तो ये 1,00,000 रुपए भी तो हमें बेनिफिट हो गया, रिकवरी हो गई पैसे की, जो हमने डिडक्शन ले ली थी। डिडक्शन लेने का मतलब है हमने सेक्शन 36-37 कहीं ना कहीं डिडक्ट कर लिया होगा ये, और अब हमारा वो पैसा रिकवर हो गया, माफ़ हो गया। तो ये सेक्शन 41। तो बेटा 41 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे क्या कह रहा है सेक्शन 41, कोई भी अलाउंस या कोई भी डिडक्शन आपने ले ली थी किसी लॉस के रिस्पेक्ट में, एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में, एंड सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, सर क्या हो गया बाद में, ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में, बेटा बाद में किसी भी प्रीवियस ईयर में असेसी ने ऑप्टेन कर लिया, वेदर इन कैश या तो रिकवरी कर ली, और इन एनी अदर मैनर व्हाटसो एवर एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस एक्सपेंडिचर और सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ जस्ट ट्रेडिंग लाइबिलिटी बाई वे ऑफ रेमिशन, सामने वाले ने माफ कर दी लाइबिलिटी, सीजेशन मतलब बंद कर दी, मना कर दिया, नहीं चाहिए पैसे। तो बेटा जो इस पर्सन के द्वारा वैल्यू ऑफ बेनिफिट हुआ है, तो ये डीम टू बी द पीजीबीपी मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स लग जाएगा इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। मतलब सिंपल भाषा में हमें 80,000 रुपये किसी के देने थे, हमने अभी दिए नहीं थे, पर एक्सपेंसेस की डिडक्शन ले ली,
बाद में उसने हमारे पैसे माफ़ कर दिए, फॉरगिव कर दिए, सीजेशन कर दिया, रिकवरी कर ली, हमने दे भी दिए थे, उसने रिफंड कर दिए। तो बेटा इन ऑल दीज केसेस इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(1) डीम्ड प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट मान लिए जाएंगे और इस पर टैक्स लग जाएगा। बेटा क्लियर हो रहा है, इस पर क्या लग जाएगा? टैक्स। नोट्स, नोट्स का पहला पॉइंट, आप बिजनेस और प्रोफेशन जो अलाउंस आपने दिया वो बिजनेस अब आपका है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो सेक्शन 41 की विशेषता है। बेटा बिजनेस अब आपका चल रहा हो नहीं चल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में आपका सक्सेशन हुआ है, अमलगमेशन हुआ है या डिमर्जर हुआ है, तो बेनिफिट, अगर वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो आपको हुआ है वो पीजीबीपी का ही माना जाएगा, सक्सेसर को, टेंड को या रिजल्टिंग को। बेटा मींस खर्चा अलाउड हो गया था अमलगमेटिंग कंपनी को, मेरी बात समझ पा रहे हैं? खर्चा किसको अलाउड हो गया था? अमलगमेटिंग कंपनी को। एक्सपेंसेस अलाउड हो गया था और अब रिकवरी हो गई है अमलगमेटेड कंपनी को, रिकवरी हो गई या वेव ऑफ कर दिया, तो बेटा टिड के यहाँ पर पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा। क्लियर हुआ? कहाँ पर टैक्स लग जाएगा? टिड के यहाँ। अगर टिंग को खर्चा अलाउड हो गया था, अब टिड के यहाँ रिकवरी हो गई है तो टिड को अलाउड हो जाएगा, राइट? ये सेक्शन 41 था। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझ आ गई होगी इस बात को समझते हुए, सेक्शन 41 को पढ़ते हुए। सर क्या? सेक्शन 41 को पढ़ते हुए हमें एक बात और समझ आ जाती है, जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो ये नॉर्मल सेंस में हमें बता रहा है। क्या? सेक्शन 41 में एक वर्ड लग रहा है, चाहे बिजनेस नॉट इन एग्जिस्टेंस। पूरे सेक्शन 41 में बात बार बार लिख रही है, बिजनेस नॉट इन एग्जिस्टेंस। सेक्शन 41 ये सब पढ़े थे हमने। अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी बेटा टैक्स पीजीबीपी में लग जाएगा। टैक्स कहाँ लग जाएगा? पीजीबीपी। तो हमने एक सेक्शन 28 पढ़ा था शुरुआत में, उसकी एक्सेप्शन ही तो हो गई। सेक्शन 28 की तो पहली लाइन ये थी कि बिजनेस होना चाहिए, या तो बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप लोगों को याद होगा, अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी वक्त पर ये बिजनेस कर रहे हैं, एट एनी टाइम किसी भी वक्त पर ये बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो बेटा टैक्स लग जाएगा पीजीबीपी में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो टैक्स कहाँ लग जाएगा? पीजीबीपी में। सेक्शन 41 के अकॉर्डिंगली बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है तो भी टैक्स लग रहा है 5 केसेस में, पर सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली 12 केस हमने पढ़े, उनमें सबसे पहला पॉइंट था कि बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्स लगेगा ही तब, चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंगली, जब बिजनेस चल रहा होगा एट एनी टाइम। तो बेटा ये उसकी एक्सेप्शन भी तो हो गई। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमारा बिजनेस भी नहीं है तब भी क्या कभी टैक्स लग सकता है पीजीबीपी में, तो आप लोग कहेंगे यस, टैक्स लग सकता है पीजीबीपी में अगर बिजनेस नहीं भी है। ये हमने पॉइंट बिल्कुल चैप्टर के एंड में दे रखा है, आप अगर देखेंगे चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा। ये रहा बेटा इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ सेक्शन 41 सॉरी 28। चार्जिंग सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली वहाँ पर लाइन लिख रही थी कि बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाई द सेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पीजीबीपी में टैक्स लगने के लिए बिजनेस होना चाहिए, पर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस कि अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी टैक्स लग जाएगा 41(1), 41(2), 41(3), 41(4), 41(4A। ये 6, 7, 8 पॉइंट अभी आप बाद में पढ़ेंगे। बेटा इन सब केसेस में बिजनेस नहीं भी है तो भी टैक्स लग जाएगा पीजीबीपी में। हम वहीं आ जाते हैं, बैक टू आवर पेज। सेक्शन 37 हमारा चालू होगा। सेक्शन 37 बेटा जनरल डिडक्शन, ये कह रहा है कोई भी एक्सपेंडिचर अदर देन जो अभी तक 30 से 36 में अलाउड नहीं हो पाया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी बेटा अब यहाँ पर 37 में, पर बशर्ते कि 3 शर्त पूरी हो जाए। नंबर 1 पहली शर्त, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो बेटा। दूसरी शर्त, वो पर्सनल खर्चा ना हो। पहली शर्त सॉरी नॉट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हो। क्या हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी शर्त, वो नॉट क्या ना हो, पर्सनल ना हो,
वो पर्सनल ना हो, आपका खर्चा कैसा भी हो पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा ना हो, और तीसरी बेटा वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए ही हो। ऐसा नहीं है ना पर्सनल भी नहीं है पर एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए भी नहीं है, तो नहीं होगा। तीन शर्त होनी चाहिए। नंबर वन, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, रेवेन्यू हो। नंबर टू, पर्सनल एक्सपेंडिचर ना हो, और तीसरा स्पेशली बिजनेस के लिए ही हो बेटा। तो बेटा उन सब की डिडक्शन 37 में मिल जाएगी। कुछ डिडक्शन के इन्होंने एग्जांपल दिए, ये बिजनेस के लिए नहीं मानी जाती होते हुए भी। नंबर वन, आप इलीगल पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं विच आर प्रोहिबिटेड बाई लॉ, अगर कोई भी ऐसी पेमेंट कर रहे हैं आप जो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा। दूसरा बेटा, आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं अंडर द इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं इनकम टैक्स को पे करने के लिए। यहाँ पर रोक कर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बेटा, इनकम टैक्स आप जो पे कर रहे हैं या अपना वेल्थ टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं बेटा, आपको कैसे बताएं, ये आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर ही नहीं होते, ये पर्सन स्टेटस टैक्स होते हैं, पहली क्लास में बताए थे, या आपके पर्सनल टैक्स होते हैं, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होते। और अगर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, अगर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो बेटा सिंपल सी बात है, इनकी डिडक्शन भी अलाउड नहीं होती। ये अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, इनकी डिडक्शन भी अलाउड नहीं होती। आ रही है मेरी बात समझ बेटा, क्लियर हो रही है? इनकी डिडक्शन भी अलाउड फिर नहीं होती। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ को अगर आप तोड़ रहे हैं, किसी भी लॉ को अगर आप तोड़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो पेनल्टी है बेटा वो भी अलाउड नहीं होती, वो भी अलाउड आपकी नहीं होती। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ, अगर आपने कोई भी लॉ तोड़ा, इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ, तो उसकी पेनल्टी अलाउड नहीं है। राइट सर, अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा बेटा, ये तो शुरू में पढ़ लिया था, उसकी पेनल्टी अलाउड है, पर लॉ तोड़ा तो लॉ की पेनल्टी तोड़ना अलाउड नहीं है बेटा। अगर आपने खर्चा किया है, एडवर्टीजमेंट करिए किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा कर और नीचे अपने बिजनेस का नाम लिख दिया, तो ये खर्चा भी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। हाँ, अगर आप डायरेक्ट नेता को दान दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को, 80GGB और GGC में अलाउड है, क्रॉस टोटल इनकम में से। कितने चालू हैं आपने देखा, नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा के आप अपने बिजनेस को ऐड कर रहे हैं तो उसकी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। आप डायरेक्टली दान दे दो पॉलिटिकल पार्टी को, डोनेट कर दो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी बेटा। फीस पेड करिए आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कैपिटल बढ़वाने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए अलाउड नहीं है। पर यहीं के ही ध्यान रखो, शेयर इशू एक्सपेंसेस भी कैपिटल नेचर के हैं, अलाउड नहीं है। पर बोनस शेयर अगर इशू करने, क्योंकि बोनस शेयर तो प्रॉफिटों में से ही निकलता है पैसा, तो बोनस शेयर इशू करने के लिए यहाँ लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ जाता है। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अगर आप खर्चे कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माने जाएंगे, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे और वो अलाउड है बेटा। सम एग्जांपल्स ऑफ जनरल डिडक्शन, कोई भी लीगल खर्चा अलाउड है, एक्सपेंडिचर ऑन रेजिंग लोन लेने के खर्चे अलाउड है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पेमेंट कर रहे हैं वो अलाउड है, इशू ऑफ बोनस शेयर के खर्चे अलाउड है, सैलरी अलाउड है एम्प्लॉयज़ की, प्रोप्राइटर की सैलरी अलाउड नहीं है। देखो ये अंडरलाइन कर लेना, अपने आप को सैलरी दे रहा है तो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, अगर अपने आप को सैलरी दे रहा है बेटा। टेलीफोन एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, सॉरी अलाउड है, टेलीफोन, वाटर बिल, मतलब जो भी खर्चे बिजनेस के लिए, तो मैंने एग्जांपल लिखे एटसेट्रा, मतलब ये सब अलाउड है। क्लियर हो रहा है? बिजनेस के एक्सपेंडिचर माने जाते हैं सब। क्या माने जाते हैं? बिजनेस एक्सपेंडिचर। बेटा एक बात बताइए, इलीगल पेमेंट्स, हफ्ता देना, एक्सट्रॉशन मनी देना, इलीगल पेमेंट्स है ये सारे, ये अलाउड नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये रहा, प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं, एक्सट्रॉशन मनी दे रहे हैं, हफ्ता दे रहे हैं, ये बेटा अनलॉफुल एक्सपेंडिचर है, ये अलाउड नहीं है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। बेटा आपको पता होगा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 135 के अकॉर्डिंगली आपको CSR करानी होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कुछ खर्चे होते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपेंस होते हैं, वो आपके पर्सनल खर्चे हैं, कंपनी ने कॉरपोरेट सोशली कोई भी वर्क किया एज पर सेक्शन 135, ये कंपनी के अपने पर्सनल खर्चे हैं, ये अलाउड नहीं है, शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सपेंडिचर, बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाएंगे और ये भी अलाउड नहीं है बेटा। सेक्शन 37 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं जिन सवालों के लिए बैठा हुआ हूँ
वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ एक बार, फिर हम सेक्शन 40 पे आ जाते हैं। बेटा ये हमारे 30 से 37 तक के सेक्शन की कुछ बातें कंप्लीट हुई, राइट। हमारे सेक्शन 30 से लेकर 37 पे बेटा कुछ कंप्लीट चीज़ें करी हमने। मेरा क्वेश्चन है आपसे, हमने 30 से 37 तक ये सेक्शन में डिडक्शंस पढ़ी। अब आप ना घर पे एक बार पहले, सबसे पहले आप ये सोच के चलना, आप एक बिजनेस कर रहे हो, फील लेना आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप कोई धंधा कर रहे हो, और उस बिजनेस में जो भी खर्चे हैं आपको ये देखना है कि खर्चा अलाउड कहाँ है, एक्सपेंस अलाउड कहाँ है। जैसे मैं एक एक्सपेंस लेता हूँ बेटा, हमने इंस्टीट्यूट पर, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दिवाली पूजा करवाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या दीपावली पूजा जो हमने इंस्टीट्यूट में करवाई यह हमें अलाउड है, नहीं है? बताइए सर। हमने इंस्टीट्यूट पे बेटा दीपावली पूजा कराई, बताइए क्या ये खर्चा हमें अलाउड है? सोचकर पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर तो आप मुझे सुनेंगे, आंसर कर देंगे। बेटा दीपावली पूजा के एक्सपेंस अलाउड है। नंबर वन कंडीशन चेक करिए, क्या ये एक्सक्लूसिवली बिजनेस में हुई है? यस। क्या मेरे पर्सनल के लिए हुई है? नो। और क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यस। बेटा क्लियर हो रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको समझ आ रहा है ना? तो खर्चों को ना आपने फील करना है किस टाइम है। हमारा बेटा बिजली का बिल आया है इंस्टीट्यूट का, कौन से सेक्शन में अलाउड है? सेक्शन 37 में। बेटा हमारा पानी का बिल आया, सेक्शन 37 में। हमने बेटा एम्प्लॉइज को बोनस दिया, सेक्शन 36 में, बोनस अलग से था। सर हमने एम्प्लॉई को सैलरी दी, सेक्शन 37 में। सर हमने मशीनरी का रेंट दिया, सेक्शन 37 में। सर हमने बिल्डिंग का रेंट दिया, सेक्शन 36 तो सॉरी आपका सेक्शन 30 में आपको याद होगा सेक्शन 30 था हमारा बिल्डिंग का रेंट वगैरह, पर मशीनरी का रेंट 31 में नहीं कवर था, हमने कहा था सेक्शन 37 में कवर होगा। बेटा कोई भी खर्चा सेक्शन 37 में कवर हो जाएगा, जो नंबर वन एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, रेवेन्यू है, और हमारे पर्सनल एक्सपेंस के लिए नहीं है, हमारा पर्सनल खर्चा नहीं है। आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 40, बहुत ईजी सा सेक्शन है सेक्शन 40। पढ़ते हैं क्या है सेक्शन 40 की हेडिंग, देखिए, अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेबल अंडर पीजीबीपी। अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेबल अंडर पीजीबीपी। कुछ अमाउंट स्पेसिफिकली डिडक्टेबल ही नहीं है बेटा पीजीबीपी में। बेटा कुछ अमाउंट स्पेसिफिकली डिडक्टेबल नहीं है कहाँ पर? पीजीबीपी में। ये स्पेशल सेक्शन है, पहले तो समझ आया कैसे सेक्शन है? स्पेशल सेक्शन 40 की सीरीज है। बेटा आप ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, इसका फिर हम चार्ट बनाएंगे। पहले मैं चार्ट से ही बताता हूँ आपको छोटा सा, तब आपको जल्दी समझ आएगा, फेस टू फेस वालों को, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा आपसे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखना ज़रूर, अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है। बेटा सबसे पहले ना सेक्शन 40 परमिशन का है। सेक्शन 40 अपने आप में एक सेक्शन है जो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है सेक्शन का नाम है? सेक्शन 40 कभी कभी खर्चे अलाउड नहीं है। इस सेक्शन में बेसिकली तीन क्लॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा पॉइंट है ध्यान से बेटा। एक है सेक्शन 40A1, राइट, सेक्शन 40A1। दूसरा है सेक्शन 40A1A, राइट, सेक्शन 40A1A, और तीसरा है सेक्शन 40A3, जो एक जैसे है सेक्शन 40। बेटा ये ना तीनों सेक्शन पहले तो लिख लेना, तीनों सेक्शंस क्लॉजेस रिलेटेड टू TDS है, और TDS का पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ रिलेटेड टू TDS। ये कह रहे हैं ये सेक्शन, ये तीनों ना बीच में टड़ंगी लड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, एनी पेमेंट, आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, एनी पेमेंट, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, एनी एक्सपेंस, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, कैसा भी खर्चा, वो खर्चा
आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो पैसे चाहे आप रेसिडेंट को दे रहे हैं चाहे आप नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, नंबर वन तो बात बड़ा चार्ट समझ आ रहा है ना आपको, चार्ट समझ आना चाहिए। कोई भी खर्चा आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं रेसिडेंट को दे रहे हैं पेमेंट या नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, नंबर टू, या आप इन इंडिया में पेमेंट दे रहे तो केवल किसको दे रहे हैं बेटा, नॉन रेसिडेंट। देखा जाए तो ये थोड़ा थोड़ा नॉन रेसिडेंट के उद्देश्य से बनाया गया बेटा, समझ आ रहा है। आप नॉन रेसिडेंट को कैसी भी पेमेंट दे रहे हैं कैसे बेटा। दूसरा है 40AIA, यहां पर कह रहा है आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, एनी पेमेंट, पर एक्सेप्ट सैलरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्ट सैलरी। नहीं यहां पर तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहां पे नहीं, यहीं पे आना है बेटा। एनी पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, पर एक्सेप्ट सैलरी। बेटा क्लियर हुआ है, सैलरी को छोड़ो। सर सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ कहाँ आ रहे हैं, सैलरी, और सेम किसको पे कर रहे हैं आप, इन्हीं लोगों को, 1.0 और 2 को। कौन से 1 और 2, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं यही वाले। आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो आर को या एनआर को, किसी को भी। इन इंडिया कर रहे हैं तो केवल एनआर को। बड़ा कुछ समझ आ रहा है, अगर आप सैलरी दे रहे हैं या फिर आप एनी पेमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, सैलरी को छोड़कर क्या ट्रीटमेंट होगा। ये कह रहे हैं सबसे पहले ना आप पता लगाइए एक बात, जो भी ये पेमेंट कर रहे हैं, पहले ये पेमेंट सेक्शन 30 से 37 में डिडक्टेबल है या नहीं। अगर डिडक्टेबल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, परमिशन लेके आइए या नहीं आई, डिडक्टेबल है या नहीं। बेटा कुछ बात समझ आ रही है, सबसे पहले आप जो भी ये पेमेंट कर रहे हैं सेक्शन 30, सर यहाँ पर तो सैलरी लिखी हुई है, बेटा सैलरी तो डिडक्टेबल ही होती है सेक्शन 37 में, मुझे पता है सेक्शन 37 तो डिडक्टेबल थी, ये सैलरी दे रहे हैं किसी को तो ये तो ऑलरेडी डिडक्टेबल है। बेटा कुछ क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सबसे पहले कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि ये डिडक्टेबल है या नहीं है, ये डिडक्टेबल है या नहीं है। बेटा दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखें दूसरे क्या कह रहे हैं। अब डिडक्टेबल में सर एग्जांपल देंगे आप एक दो, यहाँ मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आउटसाइड इंडिया आप बेटा बोनस दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, यस, वैसे बोनस टू एम्प्लॉइज यही आ जाएगा सेक्शन 37, मैंने एग्जांपल कुछ और लेना है, मैं बोनस की जगह कंसल्टेंसी लिख देता हूँ। बेटा आउटसाइड इंडिया से हमने कंसल्टेंसी ली, कंसल्टेंसी फीस दे रहे टू आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले मुझे आप बताइए पॉज करके अपनी वीडियो, यह अलाउड है नहीं है वैसे हमें बिजनेस में, सर अलाउड है सेक्शन 37 में, हर खर्चा अलाउड हो जाता है 37 में अगर वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए हो, बट अलाउड हो गया। सपोज खर्चा था, कंसल्टेंसी फीस थी 1,00,000 रुपये, बेटा ध्यान से समझिएगा अभी तीनों सेक्शन एक साथ खत्म हो जाएंगे। बेटा कंसल्टेंसी फीस थी 1,00,000 रुपये, कितनी थी बेटा कंसल्टेंसी फीस थी हमारी 1,00,000 रुपीज, जो हमें पे करनी थी कंसल्टेंसी फीस। अब क्वेश्चन आता है सर जी जो ये हमारी कंसल्टेंसी फीस है ये अलाउड है या नहीं है। सबसे पहले सर इस क्वेश्चन का आंसर है कंसल्टेंसी फीस आपकी अलाउड है। सर कौन से सेक्शन में अलाउड है, सर सेक्शन 37 में अलाउड है। सर क्यों अलाउड है, क्योंकि सर ये एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है तो ये पूरी की पूरी कंसल्टेंसी फीस आपकी अलाउड हो जाएगी। बेटा यहाँ तक की बात क्लियर हुई पहले आपको। अब हमने बेटा जो चीज़ पढ़ी थी टीडीएस के चैप्टर में आपको याद होगा,
टीडीएस के चैप्टर में पढ़ी थी कि कभी कभी कुछ पेमेंट्स पर टीडीएस काटना कंपलसरी होता है और वो पेमेंट लिखी हुई है इनकम टैक्स के चैप्टर 17 में, टीडीएस का चैप्टर है। अगर हमने 1,00,000 रुपए मान के चलिए कंसल्टेंसी फीस दी और हमें इस पे 10,000 रुपए टीडीएस काटना था, हमें बंदे को पेमेंट देनी थी 90,000 और 10,000 देनी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और 90,000 देनी थी हमें किसको बेटा, बंदे को जिसकी कंसल्टेंसी ली हमें, मतलब प्रोफेशनल को। अब बेटा हमने प्रोफेशनल को 1,00,000 रुपए के खर्चे कर दिए तो हमें पूरी डिडक्शन मिल जाएगी अगर हमने टीडीएस काट लिया और काट कर जमा करा दिया। देखो ध्यान से समझो, टीडीएस काट लिया और काट कर जमा करा लिया। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, 2020-21 में 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, एक्सपेंस था जिस पे टीडीएस भी डिडक्ट करना था 2020-21 में। बेटा केस वन, हमने 2021 में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड। बेटा टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, सर क्या होगा, ये खर्चा अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड। सर कभी भी अलाउड नहीं होगा या कब हो जाएगा, बेटा जब टीडीएस, अगर हमने, अब दो चीज़ें होंगी, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था जब करना था, तो दो चीज़ें होंगी, या तो टीडीएस हमने 2021 में ही डिडक्ट कर लिया, लेट डिडक्ट किया पर 2021 में ही डिडक्ट कर लिया। बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, टीडीएस हमने प्रीवियस ईयर 2021 में डिडक्ट कर लिया पर लेट करा, जनवरी का टीडीएस था मार्च में डिडक्ट किया या अप्रैल का टीडीएस था अक्टूबर में डिडक्ट किया, बेटा कुछ समझ आ रहा है, टीडीएस लेट डिडक्ट किया। तो टीडीएस अगर लेट डिडक्ट किया, प्रीवियस ईयर 2021 में ही कर लिया पर लेट डिडक्ट किया, तो सर कब मिल जाएगी डिडक्शन, बेटा डिडक्शन 2021 में ही मिल जाएगी। अगर मैंने टीडीएस डिपॉजिट करा दिया या तो 2021 में या बस 21-22 में, 2021 की रिटर्न से पहले, आरओआई से पहले, बेटा मैंने क्या लिखा है कुछ समझ आ रहा है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज मत होइए। मैंने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया था बेटा, लेकिन बाद में लेट डिडक्ट कर लिया 2021 में, 2021 का टीडीएस 2021 में ही डिडक्ट किया पर लेट डिडक्ट किया, तो बेटा 2021 में ही मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, बशर्ते कि या तो मैं टीडीएस 2021 में ही जमा करा दूं या 21-22 में करा दूं, मतलब 2021 की जब रिटर्न जाएगी। बेटा 2021 की रिटर्न की ड्यू डेट क्या है बताओ, सर 2021 की रिटर्न की ड्यू डेट या तो 31 जुलाई होगी, 31 जुलाई 2021, या 31 अक्टूबर होगी, 31 अक्टूबर 2021, या सर 30 नवंबर होगी, ये हमने पढ़ी थी सारी। जो भी एसएससी की ड्यू डेट है उससे पहले पहले अगर जमा करा देगा हमें, सर उसके भी लेट जमा कराया, रिटर्न से भी लेट जमा कराया, तो बेटा जिस ईयर में जमा कराएगा, ध्यान से सुनो, टीडीएस जब भी जमा कराएगा, कराएगा फिर तब डिडक्शन मिलेगी बेटा। आया समझ नहीं आया? अब जैसे इसने बेटा नवंबर की ड्यू डेट थी रिटर्न की, इसने 1 दिसंबर 2021 को कराया, तो कब मिलेगी टीडीएस की इसकी डिडक्शन खर्चे की, 21-22 में, नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। बेटा समझ आया नहीं आया? सर अगर टीडीएस बाद में ही डिडक्ट किया, 2021 का टीडीएस 21-22 में ही डिडक्ट किया, डिडक्ट 21-22 में किया, तो बेटा सिंपल सी बात है, फिर जब डिपॉजिट कराएगा तभी मिलेगी, फिर आरओआई का चक्कर नहीं है। ध्यान से समझ लेना, काफ़ी बच्चों ने फेस टू फेस में गलत किया था। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल आप लोग आंसर करेंगे मेरे तरफ से कॉन्सेप्ट, क्योंकि हो गया आंसर आप करेंगे, आपको समझ आया नहीं आया।
देखते हैं आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बेटा बेटा हमारा खर्चा था 23-24 का, 23-24 प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था। सबसे पहले तो यही देख लो ये एक्सपेंस अलाउड है भी या नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा? सेक्शन 30 से लेकर 37 में अलाउड ही नहीं है, तो फिर तो TDS काटो मत काटो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर खर्चा अलाउड ही नहीं है। पहले तो ये अलाउड होना चाहिए, वहाँ से तो अलाउड हो गया, अब यहाँ पर रोक देंगे, इसे परमिशन दे दें। पूछ रहे हैं क्या इस पर TDS कटना था, TDS डिडक्ट होना था? इसका आंसर है यस सर, होना था। किसके अकॉर्डिंगली होना था? चैप्टर 17 ने परमिशन दिया TDS डिडक्ट। बेटा 23-24 का खर्चा था, बात समझ आ रही है? कब का खर्चा था? 23-24 का, 23-24 का खर्चा था, TDS डिडक्ट होना था, पर हम TDS डिडक्ट नहीं कर पाए। 23-24 में TDS डिडक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। और TDS डिडक्ट किया हमने 1 नवंबर 2025। तो बेटा सिंपल सी बात है, डिडक्शन मिलेगी 25-26 में, प्रीवियस ईयर 25 मिल जाएगी, पर प्रीवियस ईयर 25। सर ऐसा क्यों? बेटा 23-24 का TDS कटना था, हमने 23-24 में डिडक्ट ही नहीं किया। डिडक्ट ही कब किया होगा? मतलब इसके बाद किसी भी ईयर में, मान लो 24-25 में डिडक्ट हुआ, चाहे 25-26 में डिडक्ट हुआ, चाहे 26-27 में डिडक्ट हुआ, अगर TDS बेटा सेम ईयर में डिडक्ट नहीं हुआ ना, नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट हुआ है, तो डिडक्शन कब मिलेगी? जब वो TDS पेड हो जाएगा टू गवर्नमेंट, फिर ROI का चक्कर नहीं है। बेटा TDS काट लिया था हमने केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2, TDS काट लिया था हमने 23-24 में, TDS डिडक्ट कर लिया 23-24 में, पर बेटा हमने ना काट लिया डिडक्ट पर पेड नहीं किया, पेड किया हमने, एग्जाम्पल नंबर 1 पेड किया 1 जून 2024, मतलब पेड किया है हमने 24-25 में। TDS कब का था? प्रीवियस ईयर 23-24 का, 23-24 में डिडक्ट कर लिया पर पेड किया 24-25 में। बताओ बेटा वीडियो को पॉज करके समझ के कब मिल जाएगी? सर ये रिटर्न की डेट से पहले ही हो गया, 31 जुलाई 24 को तो रिटर्न ही जानी थी, और रिटर्न से पहले पहले आपने पे कर दिया, सर ये प्रीवियस ईयर 23-24 में ही डिडक्शन मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न कब जानी थी? सर 24-25 में, और 24-25 में आपने रिटर्न की डेट से पहले पहले कर दिया। सर एग्जांपल नंबर 2, अगर हम इसे जमा करें 1 जून 2025, सर ये भी तो रिटर्न से पहले हो गया। अरे भैया ये अगले साल की रिटर्न से पहले, उस साल की रिटर्न से वो पहले हो जाना चाहिए जिस साल का खर्चा है। खर्चा किस साल का था? 23-24 का, 23-24 में एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा अगर 23-24 की रिटर्न से पहले जमा हो जाए। बेटा आई होप समझ आ गया होगा, मैं एक बार इसको करक्स कंक्लूड कर देता हूँ। बेटा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले कोई भी खर्चा अलाउड है या नहीं अलाउड ये देखना, सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी खर्चा अलाउड है भी या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? सर सेक्शन 30-37, अगर कोई भी खर्चा अलाउड है तो सेक्शन 40 फिर अपनी टांग अड़ाएगा, ये कहेगा मैं नहीं अलाउड करने दूंगा। हमने पूछा भैया अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है क्या पेमेंट में TDS कटना था, हमने कहाँ कटना था, आपने काट लिया TDS, हमने कहाँ काट लिया, आपने जमा भी करा दिया टाइम पर, हमने कहाँ करा दिया, तो कह रहा जाओ परमिशन दे दी आपका खर्चा अलाउड। पहला एग्जाम्पल केस नंबर 2, क्या 23-24 का खर्चा था, हमने कहा 23-24 का एक्सपेंस है, TDS काटा तो हमने कहा नहीं काटा भूल गए, कह रहा है अब काट लो, 23-24 में ही हमने TDS काट लिया पर थोड़ा लेट डिडक्ट किया। बेटा सेम ईयर का TDS सेम ईयर में काट लिया, अगले ईयर में नहीं काटा पर थोड़ा लेट डिडक्ट किया इस साल, इसी साल अगर डिडक्ट कर लिया ना इस साल का TDS, तो बेटा इसे पे और कर दो, कब से पहले पहले पे कर दो, इस साल की जिस साल का एक्सपेंसेस है इसी साल की रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले, ये नहीं कि किसी भी रिटर्न ऑफ इनकम से पहले, ऐसे तो हर साल कोई ना कोई रिटर्न ऑफ इनकम होती है,
इस साल की रिटर्न ऑफ इनकम कब तक भरेगी, या तो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, इनसे पहले पहले अगर आप जमा कर दो तो इसी साल डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर आपने जमा किया उसके बाद रिटर्न की ड्यू डेट के बाद इस साल की रिटर्न की, फिर तो जिस साल जमा करोगे आपको उस साल डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी पर उस साल जिस साल जमा। बेटा क्लियर हुआ, समझ आया? सर अगर हमने TDS, एक सवाल तो रह गया, अगर TDS अगले साल ही काटा, 23-24 का सर TDS था, एक्सपेंस था, उस पर TDS 23-24 में डिडक्ट होना था, पर हमने TDS काटा है बेटा 24-25 में, अगले साल डिडक्ट ही अगले साल किया है, जमा नहीं, हम डिडक्ट ही अगले साल किया, अब हमसे हो गई भूल, गलती हो गई, हमने TDS डिडक्ट ही अगले साल किया, तो ऐसे केस में बेटा ROI का चक्कर नहीं, अब जब जमा करोगे उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यस, नहीं हुआ है तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर यही पेमेंट सैलरी की है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यही पेमेंट सैलरी की है, अभी हमने बोला ना सारी पेमेंट कर दो पर एक्सेप्ट सैलरी, पर अगर यही पेमेंट बेटा किसकी है, सैलरी की, तो बेटा ध्यान से सुनो, एक बार अगर वो लेट हो गई सैलरी, अगर लेट जमा करी रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले नहीं, TDS के ड्यू डेट से पहले, मैं आपको बता दूं वैसे TDS के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, TDS जनवरी का TDS 7 फरवरी को जमा होता है, मतलब अगले महीने की 7 तारीख। अब ये कह रहा है इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट नहीं, TDS की अपनी ड्यू डेट से पहले अगर जमा नहीं हुआ TDS, तो आपको एग्जम्पशन डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जनवरी की सैलरी दी, तो जनवरी की सैलरी पे TDS काटना चाहिए था जनवरी में, नहीं भूल गए, थोड़ी लेट काटा, पर कब तक जमा हो जाए, 7 फरवरी तक, अगर 7 फरवरी तक जमा नहीं हुआ, 8 फरवरी को जमा हुआ, एक दिन लेट जमा हुआ, तो बेटा सैलरी की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। ये नहीं कि अब जिस साल जमा करोगे, सैलरी की डिडक्शन डिसअलाउड फॉर एवर नॉन रेसिडेंट के लिए। बेटा क्लियर हुई नहीं हुई, ये पूरा समझ आ गया होगा, एक बार डिस्कशन एक बार पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी, एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, मतलब कई भी पेमेंट, एनी पेमेंट, यहाँ पर लिखना चाहो तो बस लिख लो एक्सेप्ट सैलरी। सर यहाँ तो नहीं लिख रहा क्योंकि बेटा सैलरी के अलग से सेक्शन है ना, इसलिए एक्सेप्ट सैलरी। आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, रेसिडेंट को कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं, इन इंडिया में कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं, या अदर देन फॉरेन कंपनी को छोड़कर। बेटा TDS डिडक्ट ही नहीं किया आपने, या डिडक्ट कर लिया पर पे नहीं किया, ये इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो, डिडक्ट कर लिया पर पे नहीं किया, या डिडक्ट ही नहीं किया, कब से पहले पहले, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले, दूसरा पॉइंट ही चल रहा है, पेड ही नहीं किया, डिडक्ट तो कर लिया था पर रिटर्न से पहले पे नहीं किया, प्रोवाइडेड दैट वे अगर टैक्स डिडक्ट अगले साल हुआ है बेटा, नेक्स्ट ईयर। सेकेंड पॉइंट छोड़ दो एक बार के लिए, सेकेंड के साथ ही पढ़ो फर्स्ट के साथ। अगर टैक्स डिडक्ट अगले साल हुआ है तो सर क्या होगा, देन सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन उस प्रीवियस ईयर में जिसमें पेड हुआ है, रिटर्न का देखो चक्कर ही नहीं है, और टैक्स बेटा डिडक्ट तो हो गया था प्रीवियस ईयर में पर पेड हुआ है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न लिख लो, ये ना रिटर्न 139 तो भी बेटा पेड बेसिस पे अलाउड होगा, ड्यू डेट से पहले पहले पे हो गया तो सेम ईयर में अलाउड हो जाएगा बेटा। आया समझ नहीं आया? अगर रिटर्न की ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया तो सेम ईयर में अलाउड हो जाएगा। सर आगे पढ़ते हैं, अगर बेटा सैलरी दे रहे हो आउटसाइड इंडिया वही से, या इंडिया में दे रहे हो नॉन रेसिडेंट, TDS नहीं काटा या काट कर जमा नहीं किया, कौन से टाइम पर, आपकी रिटर्न का टाइम नहीं लिख रहा, देखो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अलाउड ही नहीं होगा बेटा डिडक्शन, इनकम टैक्स एक्ट मतलब TDS के ड्यू डेट पर जमा नहीं हुआ, यहाँ लिख लो TDS की जो अपनी ड्यू डेट है बेटा, TDS की ड्यू डेट, अच्छा नीचे लिख रहा है, लिख भी रही है ड्यू डेट, TDS की ड्यू डेट तक जमा नहीं बेटा, प्रेस्क्राइब टाइम क्या है TDS के चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे तो अगले महीने की 7 तारीख होती है TDS की ड्यू डेट, और मार्च वाले महीने के लिए होती है 30 अप्रैल, चेंज कर लेना बेटा बुक में 30 अप्रैल। आया समझ नहीं आया? बेटा अगर TDS की ड्यू डेट में जमा नहीं होना, एक भी दिन लेट हुआ तो डिसअलाउड फॉर एवर, लिख लेना इसे, तो हमेशा के लिए डिसअलाउड। हमने सैलरी दी बेटा जनवरी की,
उस पर TDS काटना भूल गए, और TDS काट के हमने जमा करवाया, काट लिया पर जमा करवाना भूल गए, जमा करवाया 9 फरवरी को, कुछ नहीं होगा बेटा, अब खर्चा अलाउड ही नहीं है, डिसअलाउड फूड है। आया समझ नहीं आया सर? इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, बीच का पॉइंट बेटा देखो, एक मिनट के लिए 30 को बंद कर दो, 30 को मत देखो, आप मत काटना, अभी आप मत काटना बेटा, जिंदा करना है 30 को, एनी सम। अब पढ़ के देखिए, पेमेंट कह रहे, कोई भी पेमेंट आप किसको कर रहे हो, रेसिडेंट, और उस पर सेम है, TDS नहीं काटा, जमा नहीं करा, सेम बिल्कुल पूरा सेक्शन। अगर अगले साल काटा है TDS या काट कर जमा नहीं किया रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले, तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना 30% डिडक्शन अलाउड नहीं है बेटा, अब आप काट सकते हैं, समझ रहे, 30 अब अलाउड नहीं करना, 30% डिडक्शन अलाउड नहीं है बस, मतलब 70% डिडक्शन तो अलाउड है, चाहे TDS काटो या ना काटो, पर 30% डिडक्शन अलाउड नहीं है। सर आप इसे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे? बिल्कुल बेटा, बिना एग्जाम्पल के तो मैं पढ़ाऊंगा ही बेटा। हमने एनी पेमेंट, पहले ऊपर चार्ट को भी फिल कर दे, हमारे चार्ट रह रहा है, यहां से हमने शुरू किया था, देखो यहां पे लिखा है हमने आउटसाइड, यहां पर लिख सकते हैं हम एनी पेमेंट, चार्ट में किसको कर रहे हैं बेटा एनी पेमेंट, हम टू रेसिडेंट। अगर हम रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं बेटा, उसमें 70% तो बेटा आंख बंद करके अलाउड है। जैसे 1 लाख का खर्चा था, उसमें TDS कटना था 10,000, हमने नहीं काटा TDS, या काट लिया पर जमा नहीं किया, तो बेटा 70% मतलब 70,000 का खर्चा तो तब भी अलाउड है, और 30,000 का खर्चा तब अलाउड होगा जो ये TDS था ना 10,000 का, ये काट कर हमने जमा कर दिया। बेटा कुछ समझ आ रही है? एक बच्चे ने मुझसे फेस टू फेस में डाउट पूछा, सर सपोज करो हमने ना 30,000 की पेमेंट पर, जैसे हमने पेमेंट करी, पेमेंट बताता हूँ इस बच्चे का डाउट, सर हमने ना 30,000 रुपये की पेमेंट में तो TDS काट लिया 3,000 और 27,000 दे दी, और बाकी की सर पूरी दे दी 70,000 बिना TDS काटे, तो क्या सर अलाउड हो जाएगा? बेटा वैसे तो TDS एक साथ ही कटता है, पर अब ये पूरा खर्चा अलाउड हो जाएगा क्योंकि 70,000 के लिए तो TDS चेक ही नहीं करना था, काटे या ना काटे, और 30,000 में TDS आपने काट ही लिया, 30% अमाउंट। सर ऐसे तो हर कोई 30% पे TDS काट लिया करेगा, बाकी पेमेंट कर देगा। बेटा TDS ही तो नहीं काट रहा, पकड़ में तो आ गया बंदा, फिर TDS के प्रोविजन में पकड़ लेंगे उसे और पेनल्टी लगाएंगे बहुत हाई, ये गलती तो कभी मत करना कि थोड़ी सी अमाउंट में काट लिया, थोड़ी सी पे नहीं काटा। बेटा आपका यहाँ खर्चा अलाउड नहीं हो रहा, कितना नुकसान हो रहा है आपका, 1 लाख के एक्सपेंस करें आपने वो अलाउड नहीं होंगे, और TDS के प्रोविजन में पकड़े जाओगे आप, तो इससे बेहतर है पूरा TDS काट के जमा कर दें। अगर बिल्कुल भी नहीं काटा, बिल्कुल 0 TDS काटा, जमा ही नहीं किया, तो भी 70,000 अलाउड हो जाएगा रेसिडेंट के लिए। बेटा एक केस लेते हैं सर, एग्जाम्पल पूरा करके सर पूरा डिटेल में एग्जांपल बताइए ना, डिटेल में बता देते हैं बेटा एग्जांपल। बेटा एक रेसिडेंट को पेमेंट करी 2023-24 में, कंसल्टेंसी फीस टू रेसिडेंट कितनी, 1 लाख। सर उस पर TDS काटना भूल गए, पूरी 1 लाख दे दी उसे, तो बेटा 70,000 तो तब भी अलाउड हो गए इस साल, 70,000 का खर्चा अलाउड, 30,000 का डिसअलाउड, ये क्लियर हुआ? सर केस नंबर 2, सर TDS काट लिया 10,000 पर 23-24 में नहीं काटा, अगले साल काटा 24-25 में काटा TDS, TDS डिडक्ट किया नेक्स्ट ईयर। सर TDS नहीं काटा हमने 23-24 में, कब काटा 24-25 में। सर अब ROI का चक्कर ही नहीं है, अब कब अलाउड होगा, जब आप इसे पे कर देंगे, पे करा आपने 25-26 में, तो 25-26 में अलाउड हो जाएगा, बचा कुछ 30,000 में। बेटा 70 तो अभी अलाउड हो गया होगा 23-24 में, TDS काटो या ना काटो,
टीडीएस काटा ही नहीं आपने 23-24 में, कब काटा 24-25 में, और जमा कब करा 25-26 में, तो 30,000 की डिडक्शन कब मिलेगी 25-26 में। सर टीडीएस 23-24 में ही काट लिया पर जमा किया आपने 24-25 में, और 24-25 में आरओआई से पहले जमा कर दिया, तो बेटा इसी साल डिडक्शन मिल जाएगी 23-24 में, बिल्कुल सेम तो हो गया 30,000 की भी, 70 की तो मिल ही जाएगी आंख बंद करके, पर 30 की भी मिल जाएगी 23-24 में। तो बेटा करक समझ आ गया सब। सर एक बार पूरा द्वारा से पूरा चार्ट बना के बता देंगे, एक आध बच्चा तो कह रहा है सर आ तो गया समझ, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पर कर लेते क्या दिक्कत है। बेटा कोई भी पेमेंट करिए आपने, एनी पेमेंट, पहला पॉइंट, कोई भी पेमेंट करिए आपने नॉन रेसिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, किसको करिए, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉट रेसिडेंट, बेटा इन पर टीडीएस काट लेना, काट कर जमा भी करा देना, डिपॉजिट भी करा देना, तो डिडक्शन अभी के अभी मिल जाएगी। सर टीडीएस नेक्स्ट ईयर में काटा तो कब मिलेगी, जब पे कर दोगे, टीडीएस पे कर दोगे। सर टीडीएस सेम ईयर में काट लिया तो बेटा आरओआई से पहले अगर जमा कर दिया, इस ईयर की आरओआई से पहले, तो सेम ईयर में मिल जाएगी डिडक्शन, सेम ईयर में। और आरओआई के बाद किया तो बेटा सेम हो गया, नेक्स्ट उस ईयर में होगी जिस ईयर में पे किया है। क्लियर बेटा, बिल्कुल सेम ही है, एनी पेमेंट सेम टू सेम प्रोविजन है। सेकंड में अगर आप पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हो, बस वहां पर 30% के लिए, ये सब कुछ 30% के लिए है, यस और नो। 70% तो आंख बंद करके अलाउड हो जाएगा, 30 तभी अलाउड होगा जब टीडीएस काट लोगे, जमा करा दोगे। सर टीडीएस अगर नेक्स्ट ईयर में काटा तो जब पे करोगे जब हो जाएगा, अगर सर सेम ईयर में काट लिया तो आरओआई से पहले जमा करा दो तो सेम ईयर हो जाएगा आरओआई के बाद। और तीसरा, सर अगर सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को, सेम वाले पहले वाले पॉइंट वालों, तो क्या होगा, तो बेटा सेम है। अगर एक भी दिन लेट हो गया, अब की बारी रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ आरओआई नहीं, आरओआई की ड्यू डेट नहीं, अब की बारी एक भी दिन लेट हो गया टीडीएस की डेट से, टीडीएस जब जमा होना था उसकी डेट से एक भी दिन लेट हो गया, तो बेटा कब डिडक्शन मिलेगी, कभी नहीं, डिसअलाउड फॉरएवर, पूरा टीडीएस का बेटा समझ आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने टीडीएस के चैप्टर में भी पढ़ा, सर 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 मैंने 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी, ये तीनों के लिए है बेटा, दोनों के लिए, शुरू वाले दोनों, क्योंकि तीसरे वाले में तो डिसअलाउड फॉरएवर है। सर मैंने 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी मिस्टर एक्स को, सर मैं टीडीएस काटना भूल गया, ये 23-24 में पेमेंट करी 2023-24, सर मैं 10,000 का टीडीएस काटना भूल गया और मैंने पूरी 1,00,000 पेमेंट कर दी जी। सर पर मिस्टर एक्स ने अपनी 23-24 की रिटर्न भरी 24-25 में अपनी आरओआई से पहले पहले, उन्होंने सर ये 1,00,000 की इनकम शो कर दी और इस पर जो टैक्स बनता था नॉर्मल, सर वो पूरा जमा कर दिया, तो क्या सर मेरी डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, अब मिल जाएगी। बेटा मीन्स में क्या कह रहा हूँ, टीडीएस के चैप्टर में भी पढ़ा था, मीन्स में क्या कह रहा हूँ, आपने जिस व्यक्ति को पेमेंट करी है और उस पर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, गलती आपकी, आप असेसिंग डिफॉल्ट है, पर जिस व्यक्ति को आपने पेमेंट करी वो बहुत अच्छा व्यक्ति, उसने उस पर अपना इनकम भी शो किया, उसे तो अपने टैक्स भरने ही, उसकी तो इनकम थी मान लें, उसने अपना 1,00,000 पे टीडीएस अपना टैक्स निकाला और गवर्नमेंट को जमा कर, और हमें भी इंटीमेट कर दिया, नीरज मित्तल जी आप टेंशन मत लो, जो आपने पेमेंट करी आप टीडीएस काटना भूल गए पर मैंने उस पर टैक्स जमा कर दिया, ये लो सर्टिफिकेट भी ले लो। तो बेटा मेरा टीडीएस फाइनली जमा तो हो गया, कब जमा हुआ, जब उसकी ने रिटर्न भरी, मतलब नेक्स्ट ईयर 31 जुलाई। तो बेटा अगर मेरी भी रिटर्न से पहले ही जमा हो गया, ध्यान सुनिए, मेरी भी रिटर्न से पहले जमा हो गया, सर नहीं 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 हमने तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया था, याद करो, इस केस में डिडक्शन कब मिलेगी आपको, जब वो पे कर देगा, अब रिटर्न का चक्कर ही नहीं है। मैं कहूँ मेरी रिटर्न से पहले जमा हो गया तो मुझे इसी ईयर मिल जाएगी, नहीं तो अगले साल, बेटा ये वाला प्रोविजन रिटर्न का लगेगा ही नहीं क्योंकि मैंने डिडक्ट ही नहीं किया था,
फाइनली मैंने डिडक्शन ही नहीं करी टीडीएस की। मेरी बात समझ आ गई, मैंने टीडीएस की डिडक्शन ही नहीं करी तो रिटर्न वाला प्रोविजन कहाँ लगता है? फिर तो जब जमा हो जाएगा टीडीएस ही खत्म लग जाएगा, तो मुझे एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, पर जब वो अपनी रिटर्न भरेंगे टीडीएस टैक्स जमा कर देंगे तो मुझे भी अलाउड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये पॉइंट एक बार पढ़ भी लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग सेकंड प्रोविजो एडिट, क्या कि अगर जो असेसी फेल हो गया था डिडक्ट करने के लिए होल और एनी पार्ट ऑफ द टीडीएस, तो वो डीम्ड नहीं माना जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। कब? अंडर द फर्स्ट प्रोविजो। कब बेटा? देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शेल बी डीम्ड दैट असेसी ने डिडक्ट भी कर लिया और पेड भी कर दिया अपना टैक्स रिटर्न से पहले पहले। बेटा अगर पे ही ने अपनी रिटर्न में जमा कर दिया ये टैक्स, तो मान लिया जाएगा मैंने डिडक्ट भी किया था और पे भी, ऐसा मान लिया जाएगा अगर किसी ने सामने वाले ने अपना टैक्स जमा कर दिया। वैसे डिटेल में हमने टीडीएस के चैप्टर में पढ़ रखा है बेटा, आपको याद आ जाएगा। उसके बाद बेटा जल्दी जल्दी से हमारे तीन चार एक्सपेंस रह गए, उसके बाद आज के लेक्चर को ओवर करते हैं। फोर्थ बेटा, मैंने अभी बताया कोई भी इनकम टैक्स का खर्चा अलाउड नहीं है। फिफ्थ, वेल्थ टैक्स का खर्चा अलाउड नहीं है क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। बेटा कोई भी पेमेंट, चाहे रॉयल्टी है, लाइसेंस फीस है, सर्विस फीस है, प्रिविलेज फीस है, अगर कोई भी फीस कौन दे रहा है किसी भी नाम से एक्सक्लूसिवली, कौन दे रहा है? एनी अमाउंट अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन? स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे कर रही है बेटा। टू किसको पे कर रही है? वैसे यहाँ बाई लिखा हुआ है पर यहाँ टू होना चाहिए, लॉ में बाई लिखा हुआ है। टू द किसको पे कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। बेटा ध्यान से, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे DDA, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, बेटा ये ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें परमिशन देती है कि तुम काम करो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने नीरज मित्तल को परमिशन दे दी, हम एफिलिटेट कर रहे हैं आपको, आप काम करो। तो मैंने बेटा स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया अगले 10 साल के लिए कि मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ, काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट के। तो बेटा 10 साल के लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने मेरे से 10 लाख रुपये ले लिए, तो हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे वही लाइसेंस पर। तो देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो सुनिएगा, पर मैं और मेरी स्टेट गवर्नमेंट तो एक ही है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपनी अंडरटेकिंग खोली, अपने आप ही फीस ले रही है, उसको खर्चा अलाउड करवा रही है। मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये खर्चा अलाउड नहीं है। पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कोई भी फीस दी है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने स्टेट गवर्नमेंट को, एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंक्लूड्स। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? पहले देखो ऊपर क्या कहा है, आपको समझ आना चाहिए। ये नॉट डिडक्शन के चल रहे हैं, नॉट अलाउड के, खर्चा अलाउड नहीं है। कोई भी फीस किसी ने दी, मतलब मैं अपने आप को ही तो फीस दे रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फीस दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वो फीस अलाउड नहीं है। सर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है, अब आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा क्यों अलाउड नहीं है। बेटा जिसको बनाया ही किसने है? स्टेट गवर्नमेंट ने। बेटा जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट की है, जिसमें 51% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल ऐसी एंटिटी के पास है जिस एंटिटी को गवर्नमेंट ने बना रखा है, मतलब 1 और 2 वाले, मतलब मैंने मेरे शेयर गवर्नमेंट ने ले रखे हैं और मैंने किसी और के शेयर ले रखे, तो मैंने जिसके शेयर ले रखे हैं वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगी क्योंकि मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हूँ। बेटा कोई भी कंपनी कॉरपोरेशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट को राइट है उसके डायरेक्टर वायरेक्टर को अपॉइंट करने का, उसका मतलब सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट देख रही है। या वो कोई भी ऐसा बोर्ड और इंस्टीट्यूशन बॉडी एस्टेब्लिश जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिंपल भाषा में स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सिंपल भाषा में क्या कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फीस भर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ये फीस अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ये तो अपने आप को ही दे रहे हो पैसे आप, ये खर्चा अलाउड नहीं है, राइट। नेक्स्ट, बस ये 3 पॉइंट और पढ़ के ध्यान से, एनी पेमेंट टू अ प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, सर ये पढ़ तो लिए, किसी भी फंड में अगर आप पैसा दे रहे हो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए, अभी हमने 3-4 गुल्लक में पैसा जमा कराया था लास्ट लेक्चर में, RPF में, राइट, ASF में, राइट, अभी आपने पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे,
तो हमने 3-4 गुल्लक में पैसा जमा कराया, कह रहे हैं आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमने कहा हम परमिशन लेके आ गए सेक्शन 36C, वहाँ पर बता दिया था मिल जाएगी। कह रहे पर मैं मना कर रहा हूँ, कब तक नहीं मिलेगी? जब तक आप इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं करोगे, TDS कटवाने के फंड वालों से नहीं कहोगे। मतलब क्या है बेटा, ध्यान से, बॉस को एक चिट्ठी देनी है, एम्प्लॉयर को एक चिट्ठी देनी है, जब वो RPF में पैसा जमा करेगा, RPF वालों, हर साल नहीं देनी कि सर जी RPF वालों जब तुम पैसा दोगे ना, इकट्ठा पैसा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस किसको दोगे? एम्प्लॉय को, सारा पैसा इकट्ठा करके, तो उस पर TDS काट लेना। अब वो काटे TDS या ना काटे, पर अरेंजमेंट कर रहा है कि TDS जब जब कटना हो तो TDS काट लेना, मैं बता दूंगा आपको TDS कटना है नहीं कटना। तो ये चिट्ठी अगर बॉस ने दे दी है तो बॉस को खर्चा डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बेटा लास्ट में ये चेन वाला आपने पढ़ा था, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट में चेन दी, कोई भी परक्यूजिट दिया, याद करो गोल्ड की चेन दी एम्प्लॉय, उसका टैक्स एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से भर दिया, तो एम्प्लॉयर को टैक्स अलाउड नहीं था और एम्प्लॉय को ये इनकम नहीं थी। ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया। लास्ट में बेटा पॉइंट नंबर 9, ये बिल्कुल नॉर्मल है, AOP BOI, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, बॉडी इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंदर, अगर ये इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं अपने ही मेंबर्स को, तो ये अलाउड नहीं है बेटा। इसका तो हमने चार्ट भी बनाया था, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन दे रही है 40B में अलाउड है, जितना अलाउड 40B करेगा। प्रोप्राइटर को दे रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में तो अलाउड ही नहीं है, AOP BOI दे रही है तो भी अलाउड नहीं है। नोट पढ़ लीजिए और हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। नोट नंबर 1, कोई भी वैल्यूएशन फीस है या वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए फीस दी गई है बेटा, वो वेल्थ टैक्स नहीं होती, वो अलाउड है। वेल्थ टैक्स अलाउड नहीं है, पर वेल्थ को वैल्यू करने के लिए, वैसे वेल्थ टैक्स भी अब तो लगता ही नहीं है, वेल्थ टैक्स ही अलाउड नहीं है, पर वेल्थ को वैल्यू करने के लिए अगर कोई वैल्यूएशन फीस दी है तो वो अलाउड है। सेम प्रकार से इनकम टैक्स का प्रोविजन अलाउड नहीं है, या वेल्थ टैक्स का प्रोविजन अलाउड नहीं है, या किसी भी टैक्स का प्रोविजन अलाउड नहीं है, टैक्स दोगे तो अलाउड है, और इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स तो वैसे ही अलाउड नहीं है। हाँ GST दोगे तो अलाउड है बेटा, एनी पेमेंट इन कनेक्शन विद द लीगल प्रोसीडिंग ऑफ इनकम टैक्स, बेटा एडवोकेट के खर्चे हैं, CA के खर्चे हैं तो अलाउड है, पर इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स अलाउड नहीं है। ये तो बिजनेस के खर्चे हो गए ना, फिर ये खर्चे अलाउड है बेटा। सेक्शन 40B ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, आपने देखा होगा सेक्शन 40B, हम एक सेक्शन पहली क्लास में कर चुके हैं, पहली दूसरी क्लास में, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। हम सीधे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा 40A, फिर बड़ा ख़राब हो जाता है। एक बार डिटेल में आप इन सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे बेटा। अगला 1 घंटे का लेक्चर किया है हमने, और बेसिकली हमने कुछ सेक्शंस करे, 41 वाली सीरीज़ कर ली, सेक्शन 37 कर लिया, 40 कर लिया, 40B कर लिया, 40A कर लिया, इनको एक बार डिटेल में आप पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होता है, मैंने कई बार बोला, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, पर प्लीज़ डू इट फास्ट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप इसे अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।